नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। इस वक्त पूरे देश भर में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जी हाँ, जिसके बारे में आप जानते होंगे किस प्रकार से उड़ीसा में हुई इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की घटना ने लोगों को दहला दिया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि स्पीड जो थी गाड़ी की वो लगभग 130 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर थी जब ये घटना घटी, और इसके बाद 233 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। रेस्क्यू टीम ने जिन लोगों को निकाला है अभी तक उसके आंकड़े बता रहे हैं, और 900 से ज़्यादा लोग इस भयंकर दुर्घटना में घायल हो चुके हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बता दें, पूरे राज्य में इस समय एक दिवस का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था उसे भी आज रद्द कर दिया गया है। तो पूरे देश भर में इसमें शोक की लहर दौड़ पड़ी है कि आखिरकार इस ट्रेन हादसे में जिम्मेदार कौन है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उड़ीसा ट्रेन हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका क्या गलती थी। जी हां, जिसके बाद पूरे देश भर में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे कोई साजिश थी, गलती किसकी थी। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जब तक नहीं मिलती कई लोगों के मन में अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो यहां पर इस वक्त बता दें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी कंट्रोल रूम में पहुंच चुके हैं और अभी भी पल पल की जगह जानकारी ले रहे हैं। उधर कलकत्ता की बात करें तो वहां से ममता बनर्जी भी जो है अपने इलाके में आने वाले लोगों को जो है वहां से सचेत कर रही हैं और जांच के आदेश दे दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में पूरे देश भर में इसमें शोक की लहर पड़ रही है। 233 लोगों ने